हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर आई है। इसके साथ ही यहाँ पर क्रिस लिन और टॉम बेंटन काफ़ी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। तो यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते मुंबई इंडियंस की। अब मुंबई इंडियंस के लिए यहां पर हमें पता है कि जो भी उनके मेन प्लेयर्स हैं वो यहां पर इंजरी के इश्यूज से जूझ रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से हार्दिक पांड्या की अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उसके साथ ही जसप्रीत बुमराह भी इंजरी के इश्यूज से जूझ रहे हैं और जेसन बेंड्रॉफ तो यहां पर बाहर ही हो चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए काफी जरूरी था कि वो ऐसे में अपनी खासकर जो बॉलिंग यूनिट है उसको यहां पर मजबूत रखने की कोशिश करें, और उन्होंने किया भी, जहां पर उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। लेकिन गाइज, अब फाइनली मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छी न्यूज आई है, जहां पर लसित मलिंगा, जिनके खेलने के ऊपर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उनका आईपीएल 2020 में खेलना फिक्स हो चुका है। मलिंगा ने यहां पर यह भी बोल दिया है कि अभी जो 4-4 ओवर के स्पेल उनको डालने होते हैं टी20 फॉर्मेट में, उनसे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो यह भी सोच रहे हैं कि अभी आराम से वो करीब 2 साल तक और खेल सकते हैं, क्योंकि टी20 का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको 4 ही ओवर बॉलिंग करनी है और उसके बाद बस आपको फील्ड के ऊपर बने रहना है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए काफी बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के इंक्लूजन के टाइम पर जहीर खान ने यही बोला था कि मुंबई इंडियंस यहां पर फिटनेस इश्यूज की वजह से ट्रेंट बोल्ट को शामिल कर रही है, और मलिंगा का खेलना भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, हमें यहां पर जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट की तिकड़ी देखने को मिलने वाली आईपीएल 2020 में। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है टी10 लीग से। अब मैंने आपको अपनी लास्ट की वीडियोज में बताया था कि किस तरह से क्रिस लिन वहां पर खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, और गाइज उनकी फॉर्म अभी यहां तक मेंटेन चल रही है। मतलब जितने भी मैचेस में क्रिस लिन खेलने को उतर रहे हैं, वो जिस तरह से मार रहे हैं बॉल को और जितने लंबे लंबे छक्के हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको देखकर एक बार फिर से यही लग रहा है कि वो उसी अग्रेशन में चल रहे हैं कि कोलकाता ने उन्हें आखिर क्यों रिलीज किया। अब कोलकाता के व्यू पॉइंट से भी यहां पर उनके साइड से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बोला, यहां पर जितने भी प्लेयर्स को हम लोग टीम से बाहर करते हैं हमारे लिए भी आसान नहीं रहता, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है उस प्लेयर का टीम के साथ। और ऐसे में क्रिस लिन के ऊपर उन्होंने यही बोला कि 9.6 करोड़ रुपए लिन के पास थे, और ऐसे में बैलेंस पर्स के लिए यहां पर लिन को टीम से बाहर किया गया है। लेकिन गाइस, क्रिस लिन के साथ ही एक नई एंट्री हुई है टी10 लीग में, और टॉम बेंटन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या कमाल की फॉर्म में वो चल रहे हैं, वो भी यहां पर टी10 लीग में एंटर हो चुके हैं। और यहां पर आते ही उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली हैं जिसको देखकर आप भी अगर देखोगे उनकी बैटिंग, तो आप भी देखोगे कि आईपीएल में यहां पर इनके ऊपर काफी बड़ी बिड लग सकती है अगर ये खेलते हैं। और यहां पर जिस तरह की इनकी यहां पर रिवर्स स्कूपिंग थी, या फिर हमने देखा जो भी इन्होंने यहां पर लंबे लंबे छक्के लगाए, उसको देखकर सब लोग यही बोल रहे हैं, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं इनसे। ना सिर्फ ये रोककर खेलते हैं, बल्कि इनकी जो अटैकिंग बैटिंग है उसको देखकर यहां पर हम बोल सकते हैं कि आईपीएल 2020 में काफी बड़ा नाम हो सकते हैं। सिर्फ 28 बॉल में इन्होंने 80 रन मारे, और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि टी10 फॉर्मेट में, मतलब 10 ओवर के मैच में ये 100 मारने वाले हैं, और जिस तरह से मतलब डिमोलिश कर रहे थे बॉलर्स को अपने आप में, देखकर ही काफी मजा आ रहा था कि एक 20 साल का बैट्समैन इतना ज्यादा मैच्योर कैसे हो सकता है। तो अब देखना होगा, आईपीएल में अगर आते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इनके ऊपर बिडिंग हो सकती है और काफी सारी टीमें इनके ऊपर लड़ सकती हैं। तो गाइज, इस वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि क्रिस लिन और टॉम बेंटन, आप लोग इन दोनों को किस टीम में देखना चाहते हो जिस तरह की फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।